इस वक्त जांच के लिए एसआईटी की तैयारी। अब जांच करेगी एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की, जो दिल्ली में तांडव हुआ, जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, उस पूरे मामले की अब जांच होगी और जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया है। एसआईटी बकायदा जांच के लिए कर रही है तैयारी। इस पूरी हिंसा की जांच की जाएगी, हिंसा के पीछे कौन लोग थे। क्राइम ब्रांच बनाएगी बकायदा एक इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टीम, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर किस मकसद से और कौन वो लोग थे जो दिल्ली के भीतर दाखिल हुए, जिन्होंने लाल किले को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जगह जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। बाकायदा सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस को भी टारगेट किया गया था। ट्रैक्टरों के जरिए पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई थी और इस सब के बीच आगजनी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से नांगलोई इलाके में भी आगजनी को अंजाम दिया गया था। यहां तक कि लाठियों से, डंडों से जो सरकारी संपत्ति उसको भी नुकसान पहुंचाया गया था। बसों की बसें तोड़ दी गई थी। इसके अलावा पुलिस पर भी डंडों से हमला किया गया था। 153 के करीब पुलिसकर्मी जख्मी हुए, 2 आईसीयू में भर्ती हैं। ये तादाद और भी बढ़ सकती है, फिलहाल जो आंकड़ा मिल रहा है। लेकिन इस सब के बीच 22 एफआईआर दर्ज और अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक शुरू होगी जांच? देखिए, अब जिस तरह से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास ये जांच जाएगी और ये माना जा रहा है कि एसआईटी का गठन किया जाएगा, क्योंकि कई सारी एफआईआर हैं और कई सारी एफआईआर और जुड़ेंगी, जिसको लेकर जांच के लिए एक पूरी तयशुदा जो टीम बनाई जाएगी उसके हिसाब से ये जांच की जाएगी। और क्राइम ब्रांच की एसआईटी जल्द ही तैयार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये साफ हो पाया है कि क्राइम ब्रांच की जांच जो है अब इस पूरे मामले पर करेगी और एक एक करके सारी जो जहां जहां पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है, जिस भी जिले में हुई है, वहां से सारे ट्रांसफर जो होकर वो क्राइम ब्रांच के पास जाएगी, जिसके बाद एक विस्तार पूर्वक टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, ताकि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजा मिल सके। चलिए अपडेट।